हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट्रोलर प्रियांशी। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने हेलमेट में चिल कर रहे होंगे। तो सर्विस की वीडियो आपने नहीं देखी तो देखना जरूर, लास्ट वीडियो थी सर्विस में, बस सर्विस की, तो बहुत कुछ हुआ। तो इसका साथ साथ था माइलेज टेस्ट भी करा रहे हैं, तो माइलेज टेस्ट में आपको बताता हूँ कितनी माइलेज दी। इतने सीएनजी वाला टेस्ट है ये, तो इसमें हमने 1 किलो सीएनजी फिल करा लिया, पूरा टैंक हमारा खाली था। तो अब चलते हैं और इसकी माइलेज बताते हैं कैसी रहेगी। ये मिक्स रहेगी अपना हाईवे प्लस सिटी। कौन सा ट्रिप भी, कौन सा, पता नहीं चल रहा क्या है। अब दबाओ सर इसको, दबा, मुझे तो लग रहा है उसको भी दबाओगे तभी होगा। ट्रिप भी अपना जीरो हमने कर लिया, हो गया ना, ट्रिप भी जीरो हो गया, सीएनजी भी आ गई। इस टेस्ट में अपना एसी ऑल टाइम ऑन रहेगा, ठीक है। तो एसी की जो माइलेज कंबाइंड आपको एवरेज बताते हैं, लास्ट 0.1। सो जी, सीएनजी के 2 पॉइंट आ गए थे 1 किलो में, और अभी 30 किलोमीटर चल गई है, ओ सॉरी 3 किलोमीटर चल गई है। 30 चल गई तो भाई फिर तो तगड़ी माइलेज देगी। आज देखते हैं कितनी चल रही है। क्या लग रहा है संजय सर, बताओ आप कितनी दे देंगे सर? 25-30 तो निकाल दे। तो भाई हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, 25-30 कह रहे हैं, आप देखते हैं। लो जी, बाबा का मंदिर जा रहा है खाटू श्याम, दिल्ली धाम, जय श्री श्याम। सो भाई 13.7 किलोमीटर पर सीएनजी का रिजर्व आ गया, लाइट चल गई ना, तो आप देखते हैं ये रिजर्व पे लगी हुई है सीएनजी की कितनी चलेगी आगे। लो जी 20 टच हो गया, 20 तो दे रही है। अब आगे देखो और कितनी है, इससे ऊपर कितनी निकलती है। अभी तो भाई दे रहा हूँ, 25 भी पार कर दी, 26 पे आ गई है। तो हमारे साथ भैया बैठे हैं, इन्होंने ना मेन ट्रिक बताई है कैसे माइलेज निकालनी है। मेन आपके चलाने पे होता है, वो तो सबको पता होगा, गियर रेशियो मेंटेन करके चलानी पड़ती है, तो वो एंड में बताऊंगा। तो अभी 26 चल गई है, फाइनल देखते हैं कहाँ जाकर रुकती है। भाई माइलेज 20.8 ही आ चुकी है, नहीं 30 भी बार कर ली है। ओ भाई पूरी 30 की माइलेज दे चुकी है, अभी भी चल रही है। तो भाई 31.4 फाइनल माइलेज दिया इसने 1 किलो सीएनजी गैस में। तो हाँ जी, तो एवरेज आपने देख ली, 31 की इसने अपनी फुल एवरेज दी है। तो 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा आई थी, तो आप इसको 30 तो मान ही लो कि 29-30 तो दी है इसने 1 किलो में। तो हमने ये टेस्ट करा अपना जीटी रोड पे, जीटी करनाल रोड पे, हमने इसकी सीएनजी रिफिल कराई जो स्टार्टिंग में समयपुर बादली पे आते हैं ना, जो 2 पंप साथ में है, जो इधर के होंगे उन्हें पता होगा, उन पे बहुत प्रेशर भी रहता है। तो वहीं से इसकी 1 किलो गैस चलवाई थी, फिर हमने इसको सीधा टेस्ट किया रूट पे, अलीपुर से आगे थोड़ा और लेके गए और वहाँ से वापस लेके आए। तो थोड़ा बहुत इसमें ट्रैफिक भी कवर हुआ और हाईवे रन था, तो ट्रैफिक प्लस हाईवे की बता रहा हूँ 31 PMBL की इसकी माइलेज आई। लेकिन सो आपको जैसे पता है पूरे नॉर्थ इंडिया में हीट वेव का बहुत बड़ा भाई इम्पैक्ट आ रहा है, इतना टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो उसके हिसाब से ना इसमें जो सीएनजी टैंक में जो फुल आ रही है वो बहुत कम आ रही है, 6.5 के अराउंड सिर्फ मैक्स आ रही है इसमें सीएनजी। और वो फिर आपको दिल्ली में लगेगा, मतलब आप इन सिटी चलाओगे तो बहुत कम चल रही है, 120-140 के अराउंड चल रही है फुल टैंक में। तो ये हमें थोड़ी दिक्कत लगी। और भाई जो इसका सिलेंडर है ना सीएनजी का, वो हमने चेक करा, वो सच में काफ़ी मतलब छोटा है, मतलब उसमें गैस अगर आएगी तो 7-7.5 ही मैक्स आएगी मे बी। और अगर देख सुहान जी, जैसे और ब्रदर ओनर्स जो देख रहे हैं, जो लेने का प्लान कर रहे हैं, जिन पे पहले से है, वो हमें ज़रूर अपना कमेंट में बताएं कि उनके में फुल टैंक में कितनी सीएनजी आती है, तो इससे हमें हेल्प होगी कि हम आगे सर्विस सेंटर में इसको बोलें। तो वैसे मुझे जहाँ तक लगता है 7-7.5 से ऊपर इसमें नहीं आती इसके टैंक में, इसका टैंक बाकी गाड़ियों से थोड़ा छोटा है, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल ट्रॉन्क्स में आ जाती है, ट्रॉन्क्स में इससे ज़्यादा सीएनजी आ जाती है। तो यही कुछ था, 31 KMPL का इसने माइलेज दिया टोटल। और अगर हम वैसे भी लगाएं हद मार के भी भाई 25-26 तो दे देगी इन सिटी। तो ये इसका एवरेज टेस्ट था पूरा, आपको दिखाया 31 आपको चेक कराया था, उसी टाइम ये अपनी सीएनजी वो मार गई थी कि ख़त्म हो गई है, पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई थी। तो ये इसका था कुछ एवरेज टेस्ट। ऐसी और ब्रेजा के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना भाई, और कोई भी क्वेरी हो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे डायरेक्ट आप मैसेज कर देना, बड़ी जल्दी मैं रिप्लाई कर दूँगा, ट्राई करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय माता दी। सो हेलो गाइस, आई नो वीडियो ख़त्म हो गई थी, मैंने एंड कर दी थी, लेकिन एक पार्ट जो मैं बताना आपको भूल गया, तो उसके लिए मुझे री ऑन करना पड़ा। अब मैं शाम को आया था तो सोचा आपको कवर कर दूँ कि मैंने इसकी जब बात करी ना कि इसका जो सिलेंडर मैंने आपको बता दिया सारा कि सिलेंडर छोटा है, तो इसमें दिल्ली पे हाईवे पे मैक्सिमम 150 किलोमीटर चल रही है गाड़ी सीएनजी पे। सो उन्होंने मुझे बात बोली कि अगर आपको एवरेज निकालनी है, मेन बात कि जो 31 की एवरेज वो आई है, उसका मेन जो आपको ट्विस्ट बताना है वो ये है कि वो कहते हैं आप 10 पे फर्स्ट गियर जो है 10 तक चलाओ, सेकेंड गियर लगा दो, मतलब जैसे आपको मीटर में शो होगा ना उसी हिसाब से आपको चेंज करनी है,
ये तो चलो कहते हैं कि बेस्ट जो आपका आउटपुट आएगा मीटर में, जैसे आपको इंडिकेटर शे हुआ कि आपको गियर चेंज कर दो उस टाइम कर दोगे तो बेस्ट एवरेज जब निकलेगी। लेकिन यार फिर भी अब जैसे 20 पे वो सेकंड बता देगा, थर्ड बता देगा 30 पे, चौथा आ जाएगा 45 पे, और जो सर्विस सेंटर वाले कह रहे थे कि आप 40 के पास ही था 5वां गियर लगा दो, तो भाई वो थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि सिटी में आपको पता है बार बार गाड़ी चल रही है, ब्रेक लग रही है, चल रही है, ब्रेक लग रही है। सिटी में तो सेकंड थर्ड गियर पे ही चलती है गाड़ी अपनी मेनली। सो यार सिटी में अपनी जो गाड़ी चलती है वो सेकंड थर्ड गियर पे ही चलती है, तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप 40 के बाद सीधा फिफ्थ गियर लगा दो, इतना कौन ध्यान देता है आपको ना। मतलब इसके लिए पूरा टाइम लगेगा थोड़ा आपको उसके लिए गो थ्रू होने के लिए, मतलब आपका हाथ बैठने में कि आप उसके हिसाब से चलो गियर इंडिकेटर जो शो होता है। तो यही था यार, आपकी माइलेज इंप्रेसिव है, 31 की माइलेज दे रही है अपनी, 31 नहीं तो 30 तो देगी। और भाई हाईवे पे 150 to 160 किलोमीटर इसका फुल टैंक चल रहा है, तो वो काफ़ी कम लगा। ये चीज़ें बाद में पता लग रही हैं। ये ना फ्रॉन्क्स की एक बात बताऊँ, फ्रॉन्क्स के ओनर मिले थे मुझे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मेरी गाड़ी में 8.5 से 9 किलो गैस आ जाती है। तो यार फ्रॉन्क्स ही एक बेटर ऑप्शन है अगर आपको CNG पे जाना है, और उसकी लुक्स भी काफ़ी इंप्रेसिव है, वो गाड़ी भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो उस गाड़ी में दिक्कत नहीं है, वो गाड़ी CNG के हिसाब से बेटर है। लेकिन ये है कि इसमें CNG का पता नहीं था, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप ये गलती मत करना। अगर आपको प्योर एवरेज वाली गाड़ी चाहिए, CNG का आपकी ज़्यादा रनिंग है, सो भाई विटारा पे चल, वो अपना विटारा पे भी जा सकते हो, उसका थोड़ा बजट हाई करना पड़ेगा, या आप जा सकते हो अपनी फ्रॉन्क्स पे, उसका लुक भी अच्छी है, वो भी इसके आसपास ही पड़ती है। ठीक है, सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।